फैसला, फंस गए केजरीवाल। नतीजों से पहले हिली केजरीवाल की कुर्सी। के कविता का बिगड़ा खेल, हो गया धमाका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ चुनावी नतीजे सभी नेताओं की धड़कनें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल किसी की जीत तो कई बड़े नेताओं को बुरी खबर सुना रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सांसें भी अटकी हुई हैं। इसी बीच नतीजों से पहले जेल पहुंचे अरविंद केजरीवाल पर दोहरी मार पड़ी है, क्योंकि एक तरफ एग्जिट पोल केजरीवाल को सदमा दे गए हैं, तो दूसरी तरफ केजरीवाल की उस वक्त नींद उड़ गई जब कोर्ट ने उनके जेल पहुंचते ही न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। दरअसल अदालत ने केजरीवाल की 5 जून तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। ईडी की अर्जी पर कोर्ट ने केजरीवाल की हिरासत बढ़ाई है। जेल में सरेंडर से पहले केजरीवाल ने फिर शराब घोटाले को झूठा करार दिया। घोटाले को न सिर्फ बीजेपी की साजिश बताया और कहा कि शराब घोटाले के कोई सबूत ही नहीं है। अगर सबूत ही नहीं है तो कैसे एक बार फिर केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ गई? बस बेवजह फंसाया जा रहा है, ऐसा आरोप केजरीवाल बार बार लगा रहे हैं। अब केजरीवाल से यही पूछा जाए, जब सबूत नहीं है तो कोर्ट से क्यों जमानत नहीं मिल रही? क्यों सिसोदिया 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने फिर आपको 21 दिन की चुनावी राहत दी? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आपको 21 दिन की चुनावी राहत दी? क्यों आपको हमेशा के लिए जमानत नहीं मिल पाई? क्यों आप बरी नहीं हो पाए? क्योंकि कोर्ट तो बिना सबूतों के कार्रवाई नहीं करता। सबूत हैं तभी तो बार बार सीएम साहब की न्यायिक हिरासत बढ़ रही है। जेल जाने से पहले केजरीवाल ने क्या आरोप लगाए, चलिए ये भी सुन लीजिए। कि सारे देश के सामने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कबूल किया कि उनके पास मेरे खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं है। हम कहते थे ना, जब भी हमसे पूछा जाता था कि भाई ये कह रहे हैं 100 करोड़ रिश्वत ली, 100 करोड़ रिश्वत ली, वो 100 करोड़ कहां गया? 500 से ज्यादा जगह तुमने रेड मार ली, कहीं 54 मिली हो, 58 मिली हो, 1 रुपया मिला हो, कहीं हमने खर्च किया हो, कहीं कैश पड़ा हो, कहीं लॉकर में मिला हो, कहीं स्विस बैंक में मिला, कहीं 54 नहीं मिली तो पैसा कहां गया? तो एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उस टीवी वाले ने मोदी जी से पूछा कि प्रधानमंत्री जी, ये केजरीवाल चारों तरफ कहता घूम रहा है कि आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आपके पास उसके खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, फिर आपने उसको गिरफ्तार कैसे कर रखा है? पता है प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। चलो मान लिया मैं अनुभवी चोर हूं, तुम्हारे पास सबूत तो नहीं है, तुम्हारे पास रिकवरी तो नहीं है, तो यूं ही डाल दिया मेरे को जेल में, बिना सबूत के डाल दिया मेरे को जेल में, बिना रिकवरी के डाल दिया जेल में। अब केजरीवाल कितना भी शराब घोटाले को झूठा बताएं, साजिश के आरोप लगाएं, होगा वही जो कोर्ट फैसला सुनाएगा, क्योंकि मामला कोर्ट में है, ईडी सबूत भी पेश कर रही है। इन्हीं सबूतों के साथ न सिर्फ केजरीवाल बल्कि के कविता भी बुरी तरह फंस रही है। के कविता महीनों से जेल से बाहर निकलने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन उन्हें राहत के बदले झटका मिल रहा है। केजरीवाल के साथ साथ के कविता की भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। के कविता की 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। शराब घोटाले में प्रिंस और दामोदर को जमानत भी मिल गई है। दरअसल के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन ईडी ने एक झटके में केजरीवाल और के कविता का सारा खेल बिगाड़ दिया। दरअसल बीते दिनों कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कविता को आरोपी के रूप में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। के कविता के खिलाफ ईडी को तगड़े सबूत मिले हैं, इसलिए उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिल पा रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था, अभियोजन की शिकायत प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र के संस्करण में आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत है। तो के कविता पर आफत बढ़ना यानी कि केजरीवाल की मुश्किलें दोगुनी होना है, क्योंकि के कविता की 100 करोड़ की रिश्वत में ही केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है, और ये रिश्वत ही आम आदमी पार्टी के लिए काल बनने वाली है।
खैर के कविता और केजरीवाल को लगा था कि चुनावों से पहले या नतीजों से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन सारी कोशिशों पर कोर्ट ने पानी फेर दिया है। खैर अब केजरीवाल के लिए दिल्ली में एक और बुरी खबर सामने आ रही है और वो है आम आदमी पार्टी की 7 सीटों पर हार। तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं कि दिल्ली में एक बार फिर कमल खिलने की तैयारी होने वाली है और केजरीवाल के साथ साथ कांग्रेस भी फंसती हुई नजर आ रही है। इसलिए केजरीवाल जेल जाते ही बेचैन हो गए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी कि वो इस बार दिल्ली में जीत हासिल करेगी, लेकिन इस बार भी आम आदमी पार्टी को हार मिलती दिखाई दे रही है क्योंकि पिछली बार भी दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी ने ही कब्जा किया था और इस बार भी एग्जिट पोल बता रहे हैं कि नतीजे बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।